हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पल्लवी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। गार्लिक ब्रेड बनाने के वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके होते हैं। स्टफ़ गार्लिक ब्रेड, नॉर्मल गार्लिक ब्रेड या सॉफ्ट गार्लिक ब्रेड भी बनती है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़ा सा टोस्ट स्टाइल में गार्लिक ब्रेड, जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप उन्हें टिफ़िन बॉक्स में झटपट बनाकर दे सकती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो देर आर सेवरल मेथड्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकिंग गार्लिक ब्रेड। द ईजिएस्ट बींग जस्ट रबिंग अ कट क्लोव ऑफ गार्लिक और टोस्टेड स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रेडिंग द टोस्ट और बटर। दैट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, वाइट ब्रेड ली, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। चीज़ के क्यूब्स लिए हैं, यहाँ पर आप चाहें तो मोजरेला चीज़ यूज़ कर लें। उसके बाद हम लेंगे बटर, और यहाँ पर मैंने 6 से 7 कली जो लहसुन की है उसको मैंने कूट के रख लिया है। तवे को मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख लिया। यहाँ पर मैं ये टोस्ट जो गार्लिक ब्रेड है उसे तवे पर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने बटर लिया है उसको हम तवे पर डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने गार्लिक लिया था उसे हम डाल देंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम स्लाइस पे इसको लगाएंगे तो जो गार्लिक का कच्चापन है वो बिल्कुल ना आए। तो इसलिए इसको हम बस आधे से एक मिनट के लिए इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम बंद करके अलग एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि बटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसको चलाते हुए अच्छी तरह से आप भून लें। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसलिए मैं बस बोल रही हूँ आपको आधे मिनट तक इसको बस भूनना है। उसके बाद आप गैस बंद कर लें। ये देखिए लहसुन हल्का सा लाल होने लगा है, बस आपको यहाँ पर गैस बंद करके इसको अलग कर लेना है। ये देखिए हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे गाढ़ा होने के लिए। सेम तवे को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें हम बचा हुआ बटर डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड है उसे हमें एक साइड से सेक लेना है। ब्रेड को अच्छी तरह से आप फैला लें चारों तरफ ताकि जो पहले से भी बटर लगा हुआ है वो अच्छी तरह से उस पर लग जाए। और इसको हमें लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करना है ताकि उसका जो क्रिस्पीनेस है वो ब्रेड में आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है इसको, क्योंकि दोबारा हम इसे जब इस पर सारा चीज़ें हम इस पर लगाएंगे तो हमें दोबारा से इसको टोस्ट करना है। ये चेक कर लें, ये देखिए हल्का हल्का इस पर कलर आने लगा है। बस इसको थोड़ी देर में हम इसको निकाल लेंगे। ब्रेड को लो फ्लेम पे ही सेकें। ये देखिए ब्रेड हो चुकी है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड को हम उल्टा कर देंगे, जिस साइड हमने सेका है उसको हमें फ्लिप कर देना है, उसे हमें बॉटम में रखना है। उसके बाद जो हमने गार्लिक और बटर का पेस्ट तैयार किया था उसको हम अच्छी तरह से ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। इफ़ यू लाइक टू मेक गार्लिक ब्रेड अहेड, यू कुड प्रेप द गार्लिक ब्रेड अप द मेकिंग स्टेज, द रैप इन फॉयल एंड स्टोर इन द फ्रीजर फॉर अप टू 3 months. दिस मेक्स अ ग्रेट हाउस वार्मिंग गिफ्ट और फॉर न्यू पेरेंट्स, स्पेशली पेयर्ड विद बैच ऑफ फ्रोजन मीट बॉल्स एंड सॉस। इसको हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद जो हमने चीज़ क्यूब्स लिए थे उसको हम एक ग्रेटर की हेल्प से इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे। इस जगह पर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को मोज़रेला चीज़ भी बहुत पसंद आती है। तो ये आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप इस पर क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। चीज़ को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर देंगे ताकि चारों तरफ ये अच्छी तरह से फैल जाए। सेम तरह से हम दूसरी ब्रेड पे भी चीज़ को ग्रेट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे चीज़ से। चीज़ को ग्रेट करने के
बाद इसमें हम हरी मिर्च और जो हरी धनिया हमने बारीक काट के रखी थी वो हम डाल देंगे। बटर और चीज़ में नमक पहले से होता है तो इसलिए आप इसमें बस एक चुटकी नमक ऐड करें, चाहे तो आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को स्प्रेड कर देंगे, उसके बाद हम तवे पे सेकते हैं। चलिए हम देखते हैं। अब हम सेम तवे पर ब्रेड को रख देंगे। तवा हमने पहले से गर्म कर रखा है, जिस साइड हमने ये चीज़ और बाकी चीज़ें लगाई हैं उसको आप ऊपर रखें और दूसरी साइड से ब्रेड पर रख के लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है और सिर्फ आधे से एक मिनट के लिए आप इसको ढक दें ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारी ये गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है इसके अंदर। हम इसको चेक कर लेंगे, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसको मेल्ट होने में मुश्किल से एक मिनट लगा है बस। और ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है और ये कितनी यम्मी लग रही है। इसको बनाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है और ये बहुत यम्मी बनके रेडी होती है। सो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।